नए कृषि बिल कानून को लेकर आज बिहार में आरजेडी समेत सभी विपक्षी पार्टियों द्वारा एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। 12 बजे से मानव श्रृंखला की शुरुआत हुई है। हम अभी फतुहा विधानसभा में खड़े हैं और फतुहा विधानसभा का ये मौजूदपुर इलाका ये अब देख सकते हैं कि दूर दूर तक मानव श्रृंखला है और ये इस जगह पर जो फतुहा के विधायक राजद विधायक हैं डॉक्टर रामानंद यादव वो भी लाइन में लगे हुए हैं। हम उनसे ही बात करेंगे लेकिन सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। ये जो सड़क पर ये खड़े हैं 12 बजे से का टाइम था और 12 बजे से ये खड़े हैं। आइए तो विधायक भी है मौजूद यहाँ पर आप लोग काला कानून बताओ किसी कानून को लेकर जो भी तरह का विरोध है बिहार में सरकार के किसी कानून के विरोध में आज काला कानून बना उसका सारे विरोध में पूरा गठबंधन आज मानव श्रृंखला बना के विरोध में रोड पर खड़ा। आप फतुहा में भी देखिएगा फतुहा के तीनों प्रखंड के हर चौक चौराहा पर लोग काला कानून के खिलाफ खड़ा है। एक कानून वापस सरकार ले तब किसानों को राहत मिलेगा किसान तब बाजा होगा नहीं तो किसान जब तक काला कानून वापस नहीं लेगा तब तक किसान का आंदोलन जारी। बिहार के किसानों में भी गुस्सा है। बिहार के किसानों को गुस्सा नहीं पूरा भारत के किसानों को गुस्सा है क्योंकि किसान अन्नदाता है जिसके अन्न पर चाहे देश हो विदेश हो सब जीवित है। अगर उसको सहूलियत राहत नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा। किसान को अब जान रहे हैं कि कृषि ऋण या ट्रैक्टर ऋण हो या बिजली ऋण हो ये सरकार को केंद्र सरकार को माफ़ करना चाहिए ताकि राहत मिले कृषक को कृषक खेती करे और जो अनाज उपजाता है उसका एक रेट तय होना चाहिए ये नहीं कि इस माल कहीं भी बढ़ रहा है। एक चीज़ देखा जा रहा है कि मानव श्रृंखला आप लोग का पहले से प्रायोजित था लेकिन जो प्रशासन उसका सहयोग नहीं मिल रहा था। प्रशासन का सहयोग कैसे हम लोग को मिलेगा। प्रशासन तो केंद्र सरकार के साथ है या बिहार सरकार के साथ है लेकिन अंदरूनी वो भी हम लोग के साथ है क्योंकि वो भी किसाने हैं तो सर्विस में है। सब घर में किसान लोग हैं चाहे सर्विस हो चाहे एमएलए आज हम ही एमएलए तो क्या किसान के ही घर से आए इसीलिए सारे लोग विरोध में। तो ये फतुहा विधायक डॉक्टर रामानंद यादव और लग जाओ लग जाओ 12 बजे से लगे हुए हैं आधे घंटे लगना है आधा घंटा आ नहीं पट्टी आधे एक घंटे का इनको एक बजे तक इनका मुख्य हम अभी और भी कई इलाकों में चलेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि लोगों में किस तरह का गुस्सा है कृषि कानून को लेकर और कब से वो लोग सड़क पर डटे हुए हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में कच्ची तरह नए कृषि बिल कानून को लेकर जो आज मानव श्रृंखला में शहर से लेकर देहात शहरों में तो खैर है ही शहरों में बड़े बड़े नेता लोग को भी आप देख रहे हैं लेकिन देहाती क्षेत्रों में भी लोगों में गुस्सा है। हम अभी फतुहा विधानसभा के सुदूर देहाती क्षेत्र सैजनपुर इलाके में आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्रामीण लोग या देहाती ग्रामीण लोग हैं और यहाँ भी इन्हें जानकारी थी कि आज मानव श्रृंखला लगाना है कृषि बिल कानून के खिलाफ और ये गुस्सा इनके ग्रामीणों में भी देखने को मिल रहा है कि आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक लोग लाइन लगे हुए हैं और ये जो विपक्ष का जो आज मुहिम था उसको ये लोग सफल बनाने में जुटे हुए हैं। इन्हें भी कहीं गुस्सा है कहीं ना कहीं इनके मन में भी है कि जो कृषि का बिल कानून है वो से गलत है। नेता जिंदाबाद 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 नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग 12 बजे से 1:30 तक अभी तक आप लोग लगे हुए हैं क्या किस चीज़ को लेकर। किसान बिल जो पास किया गया है उसके खिलाफ में हम लोग पूरे बिहार में महागठबंधन की ओर से आज मानव श्रृंखला बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। ये कानून ज़बरदस्ती मोदी जी लाए हैं किसान सब तहमाम हो रहा है। ये बड़े घराने के उद्योगपति जो हैं उनके पक्ष में बिल आए हैं ये बिल का हम लोग पूरा जोर से खिलाफ कर रहे हैं। पूरा देश लगा हुआ है लेकिन अभी सरकार सुना हुआ है इस पर जागना है और मोदी सरकार को समझना चाहिए कि जब किसान रोड पर आके मानव श्रृंखला बना रहा है तो ये बिल को निश्चित रूप से खत्म कर देना चाहिए। कृषि बिल कानून को लेकर सरकार अपनी जीत पर जो है तो अरुही तो है लेकिन किसानों का जो गुस्सा जो आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरह का गुस्सा है आज बिहार में भी देहाती क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है ये गुस्सा कितनी दूर तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। परमानंद सिंह कशिश न्यूज पटना सिटी।